इत्थे आम आदमी पार्टी दे एक तां साढ़े इत्थे हलका चार चरणजीत सिंह चन्नी जी दफ्तर दा उद्घाटन किया गया। एक वलंटीयर जिहड़ी मीटिंग है वो जिहड़ी 2022 दीआं चोणां दे संबंध विच वो की गई हैगी, जिहड़े पंजाब दे मुद्दे आ उहनां दी जिहड़ी गल्लबात उह की गई। चरणजीत जी मुख्यमंत्री बणे ने, उह कहिंदे ने मैं तां आम आदमी आ, क्योंकि आम आदमी वालों अजे तक आम आदमी लभ रिहा। देखो आम आदमी पार्टी की यह वड्डी जित है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का शुरू तो एजेंडा यह रहा है कि आम लोगों जिहड़ी सियासत दे विच नुमाइंदगी मिले। घट्टो घट्ट आम आदमी पार्टी के डर करके तो मनन लग गए ना ये भी इस तो पहला असी आम आदमी नुमाइंदगी नहीं देंदे सी, जिदे करके हुण खास लोगों भी यह कहना पै रहा है जे 10 मिनट का भाषण देंदे तो 20 बारी भी जी मैं आम आदमी मैं आम आदमी, जिहड़ा आम आदमी हुंदा उहनूं दसण की जरूरत नहीं पैंदी, लोगों पता हुंदा। हुण केजरीवाल साहब की भगवंत मान साहब की नकल करन ते जिहड़ा जोर है वह मुख्यमंत्री साहब ने दिता होया, पर जिहड़ी गल उही है ना कि केजरीवाल की नकल करनी बड़ी सौखी है पर उन्हां गल्लां ते अमल करना बड़ा औखा है। अरविंद केजरीवाल वह लीडर है जिन्हों कि शक भी पै जाए कोई इदां दा भी भाई ये बंदे ने करप्शन की है, 5 मिनटां दे विच विच उह आदमी नूं चाहे वह कैबिनेट मंत्री है चाहे MLA नूं बाहर दा रास्ता दिखाया जांदा। तो एक मुख्यमंत्री है सारी कैबिनेटी जिहड़ी आ जिन्हें 4.5 साल लुट की करप्शन की उस कैबिनेट नूं विच रख्या होया। पहले दिन मुख्यमंत्री बनसर स्टेटमेंट दित्ती आखिर रेत माफ़ी वाला मेरे कोई कोले ना आवे, तो रेत माफ़ी वाले तुसीं कैबिनेट दे विच ही लै लिया। सो सारे पंजाब दे लोक जाणदे आ भी एक स्क्रिप्ट तैयार किया जाता एक दिन पहला भी कल नूं मुख्यमंत्री साहब कित्थे लंगर छकणगे, कित्थे फोटो करवाउणगे, किहनूं शगन देणगे। जिहड़ा प्रशांत किशोर ने पिछली बारी कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं लोकां दा रखवाला किसानां दा रखवाला बना के पेश कीता सी उहदी सारी टीम लगी हुई है, ताहीं उह फोटो स्क्रिप्ट दे ताहीं अगले दिन सोशल मीडिया ते अखबारां दे विच पाई जांदी है तां कि लोकां सामने चन्नी जी नूं आम व्यक्ति बना के पेश कीता जा सके। पर पंजाब दे लोक बड़े सियाणे है, ये नकली आम आदमी ते असली आम आदमी की लड़ाई है, जित असली आम आदमी की। बीती जो नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं भी मुद्दे की गल है वो अजे भी कह रहे हैं भी एजेंडा जो पंजाब का वो कि पिछे रहा जा रहा जा कि तो फिर हूँ सिद्धू साहब ने ही अड़ के कैप्टन अमरिंदर सिंह लहाया तो सरकार जी है कैबिनेट है नवी बनाई हैगी तो फिर हम करवा लैन मसले हल। मैंने तो समझ नहीं आता भी चाहते की है, 4.5 साल हो गए इन लोगों ने एक दूजे नाल लत्तां खिचदियां ने कुर्सी कुर्सी की लड़ाई खेडदियां ने कढ़ती, पर इहदे नाल गल्लां दे नाल पंजाब दे मसले आ जिहड़े उह हल नहीं होणे। ओवें बेरोजगार टैंकियां दे चढ़े होए आ, ओवें सारे माफिए चल रहे आ, उस तरह पंजाब दे लोकां दी लुट हो रही है, ओवें बिजली कंपनियां लुट कर रही हैं। सो जिहड़े मुद्दे मुख्यमंत्री बन तो पहला सी अज उह सारे लोप हो गए, चाहे बिजली समझौते रद्द करन दे, चाहे बरगाड़ी वाला मुद्दा सी, चाहे जिहड़ी पहले दिन कहा सी भी 1 लाख नौकरियां कढ़ांगे वो केवल तो केवल गल्लां सी। अज जो कुछ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया उस रास्ते दे नवे मुख्यमंत्री जिहड़े चल रहे कैप्टन साहब अपनी नवी पार्टी बनाने जा रहे हैं। देखो बना लैन जी, मैं उत्थे भी कहा भी जिहड़ा लाहौर बुद्धू पिछौर भी बुद्धू जिन्हें 4.5 साल च मुख्यमंत्री होंदे हुए नहीं किया, हुण नवी पार्टी बना के कर लैणगे वह सारे पंजाब के लोग जानते हैं भी। देखो लोगों चमकौर साहबदियां नूं यही अपील है कि नकली आम आदमी ते असली आम आदमी की लड़ाई है, तुसी सारे लोग जानते हो कि असली आम आदमी कौन है, असली आम आदमियों की पार्टी केड़ी है। सच दा साथ देन, इमानदारी दा साथ देन, जिहड़े लोग बिना पैसे बिना शराबां वंडे इलैक्शन लड़नगे उन्हां पार्टियां दा उन्हां लोगों दा जिहड़े पंजाब दे जिहड़े चमकौर साहब दे लोग ने ये पवित्र धरती ते बैठे है वो उन्हां लोगों दा साथ देणगे।